अब है जो है वो समा है तुम्हें ऐसे। आई एम रियली रियली सॉरी लेट ब्लॉग लाने के लिए, आई एम रियली सॉरी। और ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है और मुझसे एडिट नहीं हो रहा था कुछ टाइम से, तो फाइनली एडिट कर लिया और आप देखो और इन्जॉय करो। थैंक यू। फाइनली रीच्ड। कल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को 24 घंटे हो चुका और मैं अभी आया हूँ नेपाल। घर से निकलने से पहले बताया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था और बस में बैठते ही ना मेरे को थोड़े चक्कर से आने लग गए थे, तो फिर मैंने कुछ बताया नहीं। बॉर्डर के इस पार हूँ, अभी बॉर्डर के उस पार जाना चेक इन चुकिंग करके। तो नेपाल में अभी कोई काम से आया था, तो हमारे कुल देवता जी की पूजा है वो, फिर मैं आया हूँ। मेरे घर में से कोई भी नहीं आ सके तो फिर मेरे को आना पड़ गया। घर वाले कहते कि तू जा, और दादा दादी बुला रहे थे तो आ गया हूँ। अब कुछ दिन मैं यहीं पर ही हूँ और चलो देखते अब कैसा होता है सफ़र आगे का। अब यहाँ से बस 3 घंटे लगेंगे। और तो मेरा बैग नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ आ गया। मेरा बैग मिल गया था, इसमें रख दिया मैंने अपना बैग। फैमिली फाइनली हम नेपाल एंटर कर चुके हैं और यहाँ से मेरा सिम अब बंद हो चुका है। मैंने बस ले लिया घर के लिए, अब यहाँ से नियर अबाउट 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। फैमिली फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, चलो चलते हैं। आमा नमस्ते। हाँ दर्शन दर्शन। हाँ दर्शन। मौसम चेक करो क्या मस्त सुहाना खतरनाक एंड मौसम हो रखा है। तो जैसे मैं अभी उठाऊँ आंखें भी नहीं खुली अच्छी तरह से। अभी फील लेने के चक्कर में गया था, बहुत गंदा गया था मैं अभी। वो माय गॉड किसी घर के अंदर चले गया था पता है। तो फैमिली काफल यार, काफी टाइम बाद काफल खा रहा हूँ। ये मेरा इस समय से निकाली जा रही है। बहुत मैं अभी जा रहा हूँ अपने भांजे जी को भेटने, भेटने मतलब मिलने जा रहा हूँ अभी, तो बाकी देखते अभी। फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। नए दिनेश रात और आपके सात बजे हैं, 7 बजे उठा दिया, सब रेडी हो गए। मैं अकेला जो रेडी नहीं हुआ है, उधर प्रसाद रेडी हो चुका है। सो फैमिली अभी हम बना रहे हैं ठोकनी गोल गोल करके, फिर इसको पट पट करके फिर इसको आग में रखना है लाइक ऐसा। ये चल रही है तैयारियां अभी, अरे कुल देवता को रेडी किया जा रहा है। टीका लगा है और यहाँ पे सबको पैसे मिल रहे हैं। मौला कहता है लड़कों को नहीं मिलता। ये है प्रसाद नेपाल का ना। मेरे को खीर इतना टेस्टी लगता है, मतलब बहुत बहुत मस्त होता है यहाँ का खीर यार, बहुत टेस्टी होता है। बोल देते मुंह में पानी आ रहा है। नानू मेरे, बाबू मेरे, गोंटी मेरी जान। अरे रोटी वगैरह है उधर, प्रसाद है। और ये सिर्फ घर के मेंबर खाएंगे और सबको एक खत्म करना पड़ता है, मतलब खत्म ही करना पड़ता है यानी हाँ पूरा। अब देखते हैं इतना सारा हम खत्म कर पाएंगे कि नहीं, और थोड़ा सा सामान और नीचे भी वो ऊपर आएगा, सबको खत्म करना है। अगर इन केस हमसे खत्म नहीं होता ना तो मतलब हम किसी को देना नहीं होता ये, फिर हम गाड़ देते हैं मिट्टी के अंदर। होपफुली हम सब खत्म ही करें। बस हो गया सब, बैठो जबरदस्त खाने में, बस इतने से रहकर उसको खत्म करना, जैसे जैसे फेंकना नहीं है। आना देवनु जानू खानू। फाइनली सब फिनिश हो गया, पूरा गाड़ देंगे। और पहली बार ही हमने ना मतलब कुछ वेस्ट नहीं करा, लास्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा प्रसाद बना लिया था, वो किसी से खाए नहीं गए थे, काफ़ी सारा प्रसाद हमने नीचे गाड़ दिया था। और इस साइड हमारे आए हैं आंटी जी। हेलो आंटी जी, फिनिश। You must
इतना शरारती ना काम भी नहीं करने देना बाबू, सारा सामान बिखार दिया यहाँ पे, भी कुछ लेके गिर दिया था, सोफों के भी ऐसे तैसे करते हैं। इसको थोड़ा काम दिया है कि डस्टबिन फेंक किया। लो जी, डस्टबिन में फेंकना था मेरे बाबू, अब झाड़ू मार रहा हूँ एक हाथ से। सो अभी जस्ट मैं घर जाने के लिए रेडी हुआ था और निकले थे हम। अरे भैया बुलेट लेकर आए थे दोस्तों की, बुलेट में पेट्रोल ही नहीं भाई, फंस गए यार। और कल भी ना एक भैया यार दोस्त है, एक जगह फंस गए थे, उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और हम देने गए थे पेट्रोल। आपके सारे यार दोस्त ऐसे घूमे हैं, बाइक सबने खतरनाक रखी है लेकिन पेट्रोल कोई नहीं डालता। और यार मैं अभी फिर रोटी खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ भाई पैदल यार, मैं तो भाई टूरिस्ट बन चुका हूँ और ट्रैकर बन चुका हूँ, मैं ट्रैकिंग करते हुए जाऊँगा। बहुत जाना ही बड़ी दूर है यार अभी, कसम से भाई 500 मीटर तो हम ले आए इसको, हम नहीं मैं, इंडियन जुगाड़, इनको पता नहीं था ये जुगाड़। लाइक अपन जब भी बाइक बंद हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम फूक मारते हैं ना इसको टैंकी में, एकदम फूक खींच के फूक मारते हैं। तो उसके बाद फिर चल पड़ा है 400-500 मीटर चल पड़ा। वैसे मेरे को तो बहुत आगे जाना था और मुझे ऑटो करना पड़ेगा यार, 50 रुपये बर्बाद। तो फैमिली अभी हम जा रहे हैं शादी में, तो नेपाल की शादी आज हम आपको दिखाएंगे। हम तो भाई पता नहीं, हम तो झल्ले से बन के जा रहे हैं यार, कोई कपड़े नहीं, ऐसे जो भी मिला वही पहन लिया। हमारा नीरी शमाली बाबू, हमारी जान मेरी गोटी, शो के उठा भी जस्ट। सो फैमिली फाइनली वी रीच एट मैरिज, तो पेट भर के खाएंगे, चलो चलते हैं। रीति रिवाज यार, इसने सारा गिर दिया बाबू ने। नीरो दूसरी बारी में ले ली थी भाई, इतना भर के ले गए, दूसरे छोटे ले गए उनते हो। सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे। तो फैमिली आज हम जा रहे हैं नहाने, तो छोटे से ताल में नहाने जा रहे हैं। जब मैं लास्ट टाइम गया था यार आपको, जहाँ पे गोप्रो भी गिर गया था, तो वहाँ पे हम दोबारा जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना और वहाँ पे पानी इतना ठंडा है, तो मज़ा आएगा। और आज का ब्लॉग गोप्रो से होने वाला है, सही लग रही है। हमारी जर्नी होती है यहाँ से शुरू। मैं खा रहा हूँ समोसा, बस यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना है। और जिस रास्ते से आया ना, इतना खतरनाक रास्ता था, इतना खतरनाक, हाथ कितने लाल हो गया चला के। जहाँ पे समोसा नहीं खा रहा था वहाँ पे मैंने चाउमीन खाना था, तो चाउमीन खाने के लिए मैंने रूम में बैग रख दिया था। तो फिर सबने बोला कि चाउमीन अभी आते हुए खाएंगे, अभी लेट हो रहे हैं। जब हम वहाँ से निकल गए, आधे रास्ते में पहुँचने के बाद याद आया कि ओहो मेरा बैग वहीं रह गया, तो मामा उन्हें पहले आगे आ गए थे। लीक वहाँ के सही यार, लीकेज बोतल पकड़ा दिया यार। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। नमस्ते, अभी मैं आया हूँ नानू हाउस, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर। तो टीकी लगी है और